Hi guys, hope you're having a good time. This is Idris and you're watching Review Session with Photo Commune TV. Basically, tripod में invest करने से पहले photographer को ये सोचना चाहिए कि उसका purpose क्या है. अगर उसकी photography सिर्फ studio तक limited है, तो tripod का अपना weight उतना matter नहीं करता है. लेकिन अगर आप एक traveler हैं और travel photography में interested हैं, तो tripod का weight बहुत ज़्यादा important है. आज हम Manfrotto का B-Free 2-in-1 देख रहे हैं, जिसका weight 1.7 kg है, which I feel is quite light. So let's see what's inside the box. Comes with a case which comes very handy while traveling. देखते हैं केस के अंदर क्या है. Manual, base plate and your tripod. So let's see tripod को किस तरह से mount कर सकते हैं, किस तरह से इसको operate कर सकते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं. और छोटा tripod है, as I said, weight wise, even height wise, when you are packing it, इसको हम इस तरह से आप legs को दिस इज़ अ सेंट्रल कॉलम और यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ से हम इसको, आप अगर ये नॉब देख रहे हैं, यहाँ से इसको हम इसका एडजस्ट कर सकते हैं किस एंगल पे चाहिए, पर्टिकुलर एंगल, सो विच इज़ क्वाइट गुड. सो अभी हम इसको एक नॉर्मल एंगल पे देखते हैं. प्लस क्लिप ऑन, जैसे पहले या बाकी सब ट्राइपॉड्स में भी होता है, वैसा ही है. क्लिप ऑन करके आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं. लेट्स सी इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है और आपका पर्पज़ उससे सॉल्व होता है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो सेंट्रल कॉलम को रेज करके इसकी हाइट तकरीबन 5 फुट के करीब है, विच इज़ क्वाइट गुड. एंड एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्पज़. मेरा कैमरा मेरे पास है, बेस प्लेट है, इसको माउंट करके देखते हैं कितना ईजी है इसको मनूवर करना. और इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, आपने यहाँ पे एक डायरेक्शन में लिखा हुआ है लेंस, तो यानी कि उसी डायरेक्शन में इसको आपको माउंट करना है. और इसको टाइट करेंगे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो एरिया है, यू नो, इट्स स्लाइटली स्मॉलर, बट आई थिंक यू विल गेट यूज्ड टू इट. इसको अच्छे से टाइट करके और यहाँ पे वापस क्लिप कर दीजिए, अदरवाइज ये आपको डिस्टर्ब करेगा. तो आइए कैमरा माउंट करके देखते हैं किस तरह से हम इसको माउंट कर सकते हैं. यहाँ पे इसको रिलीज़ करेंगे और ये अपने आप ही क्लिप वापस चला जाएगा. बट मैनुअली इसको अगर क्रॉस चेक कर लेंगे तो बेहतर है आपके लिए. और यहाँ पर अगर आप देखें, एक पैनिंग नॉब है, आप कैमरा को बहुत ईजिली पैन कर सकते हैं, विच इज़ आई थिंक क्वाइट गुड. मगर आई थिंक एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें बॉल हेड है, तो अगर आप बॉल हेड यूज़ कर रहे हैं तो बॉल हेड से भी पैनिंग कर सकते हैं. तो इसमें टू वे पैनिंग है, विच आई फील इज़ एडवांटेज. साथ ही में एक और कंट्रोल है, अगर आप यहाँ देखें प्लस माइनस, ये जो बॉल हेड है उसकी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए है. अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट चाहिए या स्लो मूवमेंट चाहिए, उसको ये नॉब कंट्रोल करेगी. लाइट वेट होने के साथ साथ B-Free 2-in-1 की एक और खासियत है कि ट्राईपॉड के साथ साथ मोनोपॉड भी है. किस तरह से कन्वर्ट होता है ये मैं आपको बताता हूँ. काफ़ी इजी है. अगर आप देखें सेंट्रल कॉलम के नीचे यहाँ पे एक नॉब है, इसको रिलीज़ करिए और यहाँ से सेंट्रल कॉलम को रिलीज़ कर दीजिए. इसको वापस माउंट कर दीजिए इस तरह से. अब आपका देखा जाए तो मिनी मोनोपॉड तो रेडी है, मगर हमको हाइट की ज़रूरत है, तो वो भी हमको यहाँ से मिलेगी. अगर आप देखें तीनों लेग्स में से ये लेग थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर इसको आप रिलीज़ करिए इस तरह से और इसको यहाँ पे माउंट कर दीजिए यहाँ इस तरह से. अब देखिए इसकी काफ़ी अच्छी हाइट आपको मिल गई है और बड़ा हैंडी है मोनोपॉड. सो लेट्स गो आउट एंड शूट समथिंग विद दिस. तो हमने देखा कि किस तरह से Manfrotto के B-Free 2-in-1 को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्राईपॉड एंड एज ए मोनोपॉड. अब मेरा रिव्यू इसको लेके, अगर आप ट्रैवलर हैं तो मुझे लगता है बहुत हैंडी है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, हाइट एंड वेट इट कैन टेक. मगर आप स्टूडियो फोटोग्राफी कर रहे हैं और ख़ासकर अगर आप हैवी कैमरा यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ और हैवी लेंस के साथ में कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हल्का ट्राईपॉड है उस हिसाब से. स्टूडियो के ट्राईपॉड के हिसाब से मैं इसको 7.5 रेट करूँगा आउट ऑफ 10 और ट्रैवलिंग के हिसाब से आई वुड से इट्स 9 आउट ऑफ 10.